मांगने मांगने में फर्क होता है। नहीं, अगर कोई आपसे कहे पानी ला दे और आप भूल गए, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मांगा तो था लेकिन कोई इतनी डेस्परेट सिचुएशन नहीं थी। और कोई आ रहा है, बहुत रास्ता किया, पानी दे दे प्लीज प्लीज पानी। नहीं, फिर आप मौसम पे बहस नहीं करोगे, आप मैं भी लेके आता हूं। जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी जरूरत है। अगर हम अल्लाह ताला के सामने नमाज में खड़े हैं और कह रहे हैं सिरात मुस्तकीम, मांगने में रवैया भी होता है कि नहीं होता? आपके आपके बच्चे आपके पास आके कहते हैं मुझे 500 चाहिए, मुझे 1000 रुपए चाहिए, गाड़ी चाहिए मुझे। जिस तरीके से मांग रहा है, मांगने देने का दिल नहीं जाता, ऐसे मांगते हैं, ऐसे बात करते हैं? ये तमीज है बात करने की? फिर आप बच्चे को तमीज सिखाते हैं कि पूछा का तमीज से पूछा जाता है, अदब से पूछा जाता है, और फिर आप नमाज में खड़े हो कहते हैं अल्लाह अकबर। उसको तो तमीज सिखा दी कि मुझसे कैसे पूछते हैं। और जिस तरीके से हम अल्लाह से पूछते हैं मुस्तफीम, यानी अगर हम वाकई प्यासे हैं, अगर जैसे जिस्म में प्यास होती है और इंसान पानी मांगता है, अगर वाकई दिल में प्यास है और अल्लाह से हिदायत मांग रहे हैं, तो इन अल्फाज को जब तक हम दिल से नहीं कहेंगे ना, इसका कोई असर नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये सिर्फ अल्फाज ही रहेंगे फिर, जो हम दोहराते रहेंगे।